हेमरेज क्या होती है? हेमरेज होती है स्केप ऑफ ब्लड आउटसाइड इट्स कंटेनिंग वेसल्स। स्केप ऑफ ब्लड जो होता है हमारे पास, समझ आया भाई? मतलब स्केपिंग ऑफ ब्लड आउटसाइड इट कंटेनिंग वेसल। हमारे पास नजर आ रहा है सर। अच्छा, तो कहते हैं कि हेमरेज इसे कहते हैं ना कि स्केपिंग ऑफ ब्लड आउटसाइड इट्स कंटेनिंग वेसल, किसी भी वेसल से ब्लड का निकलना, ठीक हो क्या? तो इसको हम कहते हैं हेमरेज। तो हेमरेज जो होता है ऐसा होता है ना कि अगर खुदा खास्ता किसी के हाथ पे कट लग जाता है, कट लगने के बाद उसकी वेसल रैप्चर हो जाती है और वेसल के रैप्चर होने के बाद उससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, इस ब्लीडिंग को हम हेमरेज कहते हैं, ठीक हो क्या? तो हेमरेज की कुछ क्लासिफिकेशन है, सफर कर हेमरेज कहते हैं कि स्केपिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द कंटेनिंग वेसल्स। तो हेमरेज जो होते हैं कि जब भी किसी वेसल के अंदर रेप्चर हो जाए या वेसल कोई हमारे पास इंजर्ड हो जाए और उसके बाद हमारे पास ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो उसे हम कहते हैं हेमरेज, ठीक हो क्या? तो इस अमल को हम कहते हैं हेमरेज। तो कहते हैं जो लीक फ्रॉम द ब्लड वेसल्स जो होते हैं ना, ये हमारे पास कहते हैं इनसाइड द बॉडी होते हैं और इंटरनली भी होते हैं और एक्सटर्नली भी। तो जो इंटरनली होते हैं ना, तो वो हमारे पास थ्रू नेचुरल ओपनिंग सच एज माउथ, हमारे पास अगर आप देख लो ना, तो अगर किसी भी जगह पे कोई भी वैसा है समझ लिया हाल है हमारे पास, और इसके अंदर यहाँ पे कोई भी वैसा है, इस वैसल के रैप्चर होने से हमारे पास स्केपिंग ऑफ ब्लड होती है बाहर की तरफ या बाहर आ जाती है हेमरेज, या हमारे पास अंदर किसी कैपिलरी में रैप्चर होता है और यहाँ पे अगर आपने देखो तो अक्सर रेडनेस ही बन जाती है, ठीक हो गया? या कोई ब्लड एक्युमुलेशन हो जाए अंदर ही हो जाए, जिसे हम हिमाटोमा फॉर्मेशन कहते हैं कि ब्लड जो है वो वहीं पर जमा हो चुका है, ठीक है ना? तो वो वेसल के रेप्चर होने से। अब तीन तरह की वेसल्स हमारे पास होती है, आप सबको पता है, कैपिलरीज, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज की जब हेमरेज होती है ना, तो उसकी स्पर्टिंग हेमरेज होती है, इतना तेज होती है स्पर्टिंग हेमरेज होती है कि वो तेजी से जैसे वो धार की तरह, अगर आप पाइप का सर को पकड़ लो ना और वो एक धार की तरह काम करेगी, स्पर्ट की तरह काम करे, ये आर्टरी फ्लो होता है। वीनस जो होता है वो हमारे पास इतना तेज से नहीं होता लेकिन निकलता है। वो कैपिलरी जो होता है वो बहुत स्मॉल सा होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कैपिलरी बहुत स्मॉल वेन्यूज टाइप्स के होते हैं, कैपिलरी वेन्यूज जो मिलते हैं, आर्टरी जो वेन्यूज जो मिलते हैं कैपिलरीज बनाते हैं, तो उनके बहुत स्मॉल उनका वो होता है हेमरेज या निकलना ब्लीडिंग का। इनके काम करें वो समझ में आ रही है नहीं यार? मिद्राक साहब ये ऑनलाइन पढ़ाना बड़ा अजीब सा लगता है, आप लोग को समझ आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, वो ऑनलाइन पढ़ाना है ऐसा बड़ा मुश्किल काम है यार, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था ना आपके पास सामने। अच्छा, तो यहाँ तक तो सबको समझ आ रही है? जी सर। अच्छा, मैंने आप लोगों को पिछले दिनों बताया था थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म और इसके बारे में, ठीक हो गया? ये भी इसके साथ ही इंटरलिंक्ड है। तो कहता है कि हमारे पास हेमरेज की तीन किस्म की डेफिनेशन है। एक तो डेफिनेशन मैंने ये लिख दिया आप लोगों के सामने, ठीक हो गए? दूसरा कहता है द टर्म ऑफ हेमरेज कहते हैं द टर्म ऑफ हेमरेज। ऐसा कहते हैं द टर्म ऑफ हेमरेज, हमारे पास हेमरेज जो होती है रेफर टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग हो जाए शॉर्ट टाइम के अंदर, समझ आ गए? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हेमरेज कहते हैं। ये हमारे पास दूसरी इसकी डेफिनेशन है।
समझ आ रही। अब इसके बाद क्या हुआ, समझो कि जब मैं यहां पे रेंज बनाता हूं, ये रेंज होगी और ये होगी आर्टरी, समझो ये रेंज होगी, ये आर्टरी होगी और दरमियान में ये हमारे पास समझो वेन्योज होगी और ये आर्टरी होगी और इसी इसकी एनाटॉमी सीख लो। ठीक, वेन्स वेन्योज, वेन्स के साथ जो छोटी छोटी कैपिलरी, छोटी छोटी जो हमारे पास कैपिलरी टाइप होते हैं उसे वेन्योल्स कहते हैं और यहाँ पे जो होते हैं ये आर्टरियोल्स, ठीक है, और ये मिलके हमारे पास कैपिलरीज बनाते हैं। अब ब्लड का क्या होता है, वेन्स के अंदर ब्लड होता है जो हम इसको हम कहते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है और आर्टरीज में जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक, अब प्रोसेस क्या होता है कि हमारे पास कैपिलरी से ब्लड, वेन्योल से ब्लड आता है कैपिलरीज की तरफ चलता है, जब कैपिलरीज की तरफ चलता है तो ये हमारे पास आर्टरियोल्स के साथ मिले होते हैं। अब खुदा न खास्ता इंजरी यहां पे होती है वेन, तो यहां से एक्सट्रावेजेशन ऑफ ब्लड, लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड इन शॉर्ट टाइम, ठीक हो गया, तो इसका जो ब्लड जो होगा वो निकलेगा, तेजी से निकलेगा, लेकिन एज कम्पेयर टू आर्टरियोल्स कम निकलेगा क्योंकि आर्टरी जो होती है ये पल्सेटिंग होती है। आप कभी भी अपनी देख लो, रेडियल आर्टरी देख लो, पल्स करेगी, पल्सेटिंग होती है, हमारी जितनी भी आर्टरीज है वो पल्सेटिंग होती है, ब्लड को पंप करती है ऊपर की तरफ। आप पसंद जैसे हमारी पॉपलिटियल आर्टरी है, फिमोरल आर्टरी है, नीचे से है तो एंटी ग्रेविटी काम करके पल्सेटिंग करके ऊपर हार्ट की तरफ ब्लड आ रही है। अगर खुदा ना खास्ता किसी भी आर्टरी को इंजरी होती है तो इसका जो ब्लीडिंग होगी वो बहुत तेज होगी, स्पर्ट लाइक होगी, धार की तरह होगी, जैसे आप एक धार से मारते हो पानी की तरह तेज निकलेगा, तो आर्टरी की ब्लीडिंग हमें ऐसे पता चलती है ये आर्टरी है। क्योंकि अगर आप आर्टरी की ब्लीडिंग, खुदा ना खास्ता आर्टरी कटती है ना, तो आप उसके ऊपर हाथ रखो और उससे हाथ उठाओ तो वो खुद ब खुद बाहर की तरफ गिरेगा, ब्लड खुद ही बाहर की तरफ धार फेंकेगा। As compared to veins, veins को अगर आप काट दो, veins धार नहीं मारती, veins आराम आराम से निकलती है, blood इस तरह हल्का हल्का drop like wise निकलता है, लेकिन arteries के कटने के साथ वो धार की तरह तेजी से बाहर की तरफ गिरती है, तेजी से निकलती है। तो इस तरह हम arteries और veins को differentiate करते हैं कि ये artery injured हो गई है या vein injured हो गई है। During surgery आपको ये चीज बहुत important पता होना चाहिए कि यहाँ पे जब मैं कोई भी प्रोसेस कर रहा हूँ, जैसे appendectomy कर रहा हूँ, appendix कर रहा हूँ, तो उसके अंदर में यहाँ पे कौन सी आर्टरी है, मैंने कौन सी वेन है, कौन सी नर्व है, ये सब चीजें आपको उसके लिहाज से पता होना चाहिए। कोई इंजर्ड हो जाए तो पता चलता है, अगर कोई आपको स्पॉट लाइक ब्लड निकल रहा है तो वो आर्टरी से है और अगर कोई आराम आराम से निकल रहा है तो वो वेन से है। तो आई होप आप लोगों को इस चीज की समझ आ गई कि आर्टरी और वेन के ब्लड को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। डॉक्टर साहब खुले करें, समझ आइए। यस सर, यस सर, अरे यस सर, ये मार्कर अगर चेंज हो जाए सर। अच्छा चेंज कर लेता हूँ मैं, फीमेल साइड पे भी समझ आइए सबको सर। आइए जी सर, आइए। ठीक है, ठीक। सर ये रेड कलर जो मार्कर है ये चेंज करें सर, ये क्लियर नजर। अच्छा मैं करता हूँ। अच्छा अच्छा
ब्लड के अंदर हमारे पास प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होती हैं। ब्लड की जो कंपोजिशन है ये ब्लड से सही है। यस सर, ये ठीक है। तो ब्लड की जो कंपोजिशन है उसमें दो आते हैं, एक प्लाज्मा, एक फॉर्म एलिमेंट्स। ठीक, जो प्लाज्मा है वो हमारे पास, उसमें हमारे पास तीन किस्म की चीजें आती हैं, प्रोटीन आती है, वाटर आता है और हमारे पास अदर सॉल्यूशंस आ जाते हैं। ठीक हो क्या? तो जो प्रोटीन्स होते हैं इसमें 7% होते हैं, प्रोटीन हो गया हमारे पास, वाटर हो गया और अदर सॉल्यूशंस हो गए। जो वाटर होता है वो 91.5% सबसे ज्यादा कंटेक्ट प्लाज्मा में जो होता है ना वो वाटर को होता है, और अदर सॉल्यूशंस जो होते हैं वो 1.5% और जो हमारे पास फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास प्लेटलेट्स होते हैं, व्हाइट सेल्स होते हैं और रेड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। हमारे पास डब्ल्यूबीसी 411,000, ये 1.5 मिलियन, ये 3 लाख, सॉरी 1.5 लाख से 3 लाख, 1.5 लाख to 3 लाख, और डब्ल्यूबीसी जो है वो 411,000 होते हैं। तो ये हमारे पास किसको हमने ऐसे डिफरेंशिएट किया होगा कंपोजिशन ऑफ ब्लड को। एग्जाम में अक्सर ये भी आता है कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड ड्रा कर लो, या आपके पास उसकी कंपोजिशन प्लाज्मा के अंदर हमारे पास वाटर कितने परसेंट है, प्रोटीन कितने परसेंट है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड में प्लाज्मा जो है 91.5% वाटर है, प्रोटीन 7% और अदर सॉल्यूशंस भी है। जो फॉर्म एलिमेंट है उसमें डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है और प्लेटलेट्स है, इनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए कि कितनी कितनी है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। ठीक, ओके, इसको मिटा दूं? यस सर। हमारे पास टाइप्स ऑफ हेमरेज, हमारे पास कौन कौन सी किस किस जगह से हेमरेज हो सकती है, समझ आ गई है ना? तो उसमें हमारे पास, मैं बताता हूं आपको, एक आर्टीरियल है, कैपिलरी है, वीनस है, एक्सटर्नल है, ये हमारे पास कि कहां कहां से आप लोगों के पास हेमरेज हो सकती है, समझ आ गई है ना? इंटरनल है, और हमारे पास प्राइमरी, इंटरमीडिएट और सेकेंडरी। ये हमारे पास कहां आर्टीरियल है, कैपिलरी है, वीनस है, एक्सटर्नल है, इंटरनल है, प्राइमरी है, इंटरमीडिएट है एंड सेकेंडरी है। ये सब टाइप्स आपको पता होनी चाहिए, ये मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। कौन कौन सी टाइप्स हैं? आर्टीरियल,
कैपिलरी, वीनस, एक्सटर्नल, इंटरनल, प्राइमरी, इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी। ठीक हो गया? जैसे मैंने बताया था कि कैपिलरी की जो ब्लीडिंग होती है ना वो स्टेडी आउट बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो स्लो इससे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। हमारे पास ब्लीडिंग अक्कर जो होती है ना स्टेडी आउट स्लोली, तो कैपिलरी की ब्लीडिंग स्टेडी आउट स्लोली, आराम आराम से इसकी ब्लीडिंग होती है। मतलब कैपिलरी छोटी छोटी सी होती है ना, तो इनकी ब्लीडिंग होती है ना वो आराम आराम से निकलती है। जैसे मैंने आप लोगों को वो डायग्राम बताई थी शो करके, जैसे वो आर्टरी और वीनस और फिर उसके अंदर विनियोल्स और वो जो मैंने कैपिलरीज बनाई थी आप लोगों के लिए, तो उसके अंदर जो हमारे पास ब्लीडिंग होती है ना वो बहुत स्लो स्लो होती है। ये विनियोल्स हो गए, ये आर्टरियोल्स हो गए, जो वीनस होता है वो भी स्लो स्टेडी अंडर लेस प्रेशर। वीनस जो होते हैं ना ये हमारे पास स्लो स्टेडी होते हैं एज कम्पेयर टू कैपिलरीज। जो कैपिलरी होता है उसका स्लो प्रेशर। आ रही आवाज अभी हो गया, अभी जो आपने कहा कि आवाज किस टाइम में आ रही। अच्छा अच्छा अभी देखिए इनको आ रही आवाज, आवाज आ रही है आप लोगों को? सर अभी आ रही है, अभी तक तो नहीं थी आवाज। ओह ये क्या है, ये आज ही तक समझ आई है कि नहीं? यस सर, सिर्फ यही टाइप्स आप एमरिक सर, बस जब आपने डायग्राम ड्रा किया बस इसकी आवाज नहीं आ रही। सर ये आर्टरी दोबारा पढ़े सर, आर्टेरियल जो फ्लो है सर। अच्छा चलिए ख्याल के पढ़ लेते हैं। अच्छा देखो मैंने भी ये बताया है कि कैपिलरी जो होती है ना वो उसके भी आउट स्लोली होता है। कैपिलरी से ब्लड आराम आराम से निकल, मैंने डायग्राम आप लोगों को आर्टरी और वीनस की बताई थी कि ये जो है ना आपस में जैसे एक तरफ वीन है एक तरफ आर्टरी है फिर वेनियोल्स है फिर आर्टरियोल्स है, वो मिलकर कैपिलरीज बनाती है। आर्टरी लग जाती है ये मोस्ट सीरियस टाइप है हेमरेज की, और ये बंदे को शॉक की तरफ लेके जाती है। अल्टीमेटली हेमरेज का जो एंड रिजल्ट होता है वो शॉक होता है। आप कभी देखो खुदा ना खास्ता किसी का आर्टरी हो गया एक्सीडेंट हो गया, वो क्या करते हैं लोग, सबसे पहले हमारा सबसे पहला काम ये है कि हमने ब्लीडिंग को सिक्योर करना है, ब्लीडिंग को रोकना है ताकि ब्लीडिंग रुक जाए और बंदा शॉक में ना जाए। क्योंकि अगर शॉक में ज्यादा हेमरेज ज्यादा हो जाती है तो
हमारे जो बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचेगा नहीं, और जब ब्लड वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंचेगा नहीं, उनकी वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर नहीं सकेगा, तो वो वाइटल ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे। और पेशेंट जब शॉक में जाता है तो वो हमारे पास वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है। जब वाइटल ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं तो हमारी बॉडी ऑलरेडी खतरे की तरफ चली जाती है और पेशेंट डेथ की तरफ चला जाता है। तो ये आप लोगों को पहले ये 3 टाइप्स हो गए, ठीक हो गया। अब अच्छा ये 3 टाइप्स को समझ आ गई है, वीनस कैपिलरी आर्टरीज। यस सर। अच्छा चलो, अभी तक कितने स्टूडेंट है? अच्छा अब इस पे आ जाते हैं, प्राइमरी इंटरमीडिएट और सेकेंडरी। जो प्राइमरी है ना वो हमारे पास अक्सर इमीडिएटली होती है, इमीडिएटली इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ये उसको हम प्राइमरी हेमरेज कहते हैं। अच्छा रिएक्शनरी हेमरेज कौन से होते हैं या इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट को आप रिएक्शनरी भी कहते हैं। रिएक्शनरी हेमरेज ये जो होती है ये हमारे पास फर्स्ट 24 आवर्स अगर कोई ऑपरेशन होता है उसके बाद ब्लीडिंग स्टार्ट होती है फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर अंदर। मतलब एक बंदे की अपेंडेक्टमी हो गई, एक ऑपरेशन हो चुका, ऑपरेशन होने के बाद उसके पहले 24 आवर्स के अंदर कोई भी ब्लीडिंग हुई उसको हम इंटरमीडिएट या रिएक्शनरी कहते हैं। अगर उसी टाइम ब्लीडिंग हुई, मतलब कट लग गया, अब देखो इंसिशन दिया उसके साथ कट लग के ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है प्राइमरी, अब सब कुछ ऑपरेशन हो गया, स्टिचेस सब कुछ लग गया, उसके बाद उसको कट लगते हैं, उसके बाद सॉरी कट नहीं कहता, उसके बाद ब्लीडिंग होती है 24 आवर्स के अंदर अंदर ब्लीडिंग होती है, तो उसको हम रिएक्शनरी या इंटरमीडिएट कहते हैं, ठीक हो गया।